दोस्तों, हमारे पृथ्वी का फैलाव इतना अनंत है कि यहाँ जब भी खोज होती है हर बार कुछ हमें नया मिलता है। लेकिन पृथ्वी में कई ऐसी जगह हैं जो कि असीम हैं। उसमें समुद्र एक ऐसी जगह है जिसके बारे में जितना रिसर्च की जाए उतनी कम है। इसकी गहराई में कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जिसकी खोज अभी तक नहीं हो पाई है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का 71% भाग समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए हमारी पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है और इसी वजह से हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी पर कुल 5 महासागर मौजूद हैं, जिनका नाम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर एवं हिंद महासागर है। जिनमें से प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। आज हम प्रशांत महासागर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे। दोस्तों, प्रशांत महासागर का नाम पुर्तगाल के रहने वाले एक शख्स मैगलन ने रखा था। मैगलन वही व्यक्ति है जिन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले दल का नेतृत्व किया था। आपको बता दें, जब यह दल तूफानी अटलांटिक महासागर को पार करके प्रशांत महासागर में आया तो प्रशांत महासागर का जल अटलांटिक महासागर की तुलना में काफी शांत था, इसीलिए इसका नाम प्रशांत महासागर पड़ा। दोस्तों, दुनिया के सबसे विशालकाय महासागर का क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग मील है, अर्थात इसका क्षेत्रफल अटलांटिक महासागर के 2 गुना क्षेत्रफल से भी अधिक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 32% और जल क्षेत्र के लगभग 46% भाग पर फैला हुआ है। दोस्तों, मरियाना ट्रेंज धरती की सबसे गहरी जगह है, जहां समुद्र की गहराई 10,898 मीटर से 10,916 मीटर तक है, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर की गहराई तक है। और अगर हम माउंट एवरेस्ट से इसकी तुलना करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई धरती की सतह से 8,839 मीटर है, जबकि मरियाना ट्रेंज की गहराई समुद्री सतह से 10,916 मीटर गहरी है। यानी माउंट एवरेस्ट से मरियाना ट्रेंज 2,068 मीटर तक ज्यादा गहरा है। और कमाल की बात तो यह है कि धरती की सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंज कहीं और नहीं बल्कि प्रशांत महासागर में ही स्थित है। दोस्तों, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रशांत महासागर इतना बड़ा महासागर है कि इस महासागर में भी कई प्रकार के सागर मौजूद हैं, जैसे बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, कोरल सागर, आरापुरा सागर, तस्मान सागर, पूर्वी चीन सागर एवं दक्षिणी चीन सागर। यह सभी सागर प्रशांत महासागर में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, प्रशांत महासागर कई सारे समुद्री जीवों का घर है, जिनमें से कुछ समुद्री जीव ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में केवल प्रशांत महासागर में ही पाए जाते हैं, जैसे कि किलर व्हेल। यह सिर्फ और सिर्फ प्रशांत महासागर में ही पाई जाती है। इतना ही नहीं, सफेद डॉल्फिन भी सिर्फ प्रशांत महासागर में पाई जाती है, जो किलर व्हेल का सबसे पसंदीदा भोजन है। दोस्तों, प्रशांत महासागर में एक विशालकाय समुद्री ऑक्टोपस भी रहता है, जिसे समुद्री दानव भी कहा जाता है, जो उत्तरी प्रशांत महासागर के रूस, जापान, ब्रिटिश कोलंबिया और अलास्का के समुद्री तटों में पाया जाता है। इस विशालकाय ऑक्टोपस का वजन करीब 600 किलो और लंबाई 32 फुट के करीब होती है और यह प्रशांत महासागर की सबसे नीचे गहराई में पाया जाता है। दोस्तों, द रिंग ऑफ फायर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी शामिल है और यह प्रशांत महासागर में ही स्थित है। धरती की 75% ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के अंदर ही पाए जाते हैं। वहीं प्रशांत महासागर में एक ज्वालामुखी द्वीप है जिसे क्रोकोटोवा के नाम से जाना जाता है। 26 अगस्त 1883 को इंडोनेशिया के पास क्रोकोटोवा के मुख्य द्वीप पर हुए ज्वालामुखी विस्फोट को मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक माना जाता है। आपको बता दें, इस विस्फोट में 36,417 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, इस विशालकाय महासागर में 20,000 से भी ज्यादा द्वीप हैं। महाद्वीपों के निकट स्थित द्वीप महाद्वीपीय द्वीप होते हैं और यह महाद्वीपीय चट्टानों के ही बने होते हैं। महासागरों के मध्य स्थित द्वीप परवाल तथा ज्वालामुखी के प्रक्रियाओं से निर्मित होते हैं। दोस्तों, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ये दोनों महासागर अलास्का की खाड़ी में आकर मिलते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह दोनों आपस में मिलकर भी कभी नहीं मिलते। इन महासागरों पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि खारे पानी और मीठे पानी की डेंसिटी, तापमान और लवणता अलग अलग होती है, जिससे यह मिक्स नहीं होते। तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों से पिघलने वाला पानी मीठा होता है, वहीं समुद्र का पानी खारा होता है। और जहाँ पर यह दोनों महासागर मिलते हैं वहाँ पर झाग की एक दीवार बन जाती है। अलग अलग डेंसिटी होने के कारण यह आपस में मिक्स नहीं हो पाते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आगे को किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।